दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्राफिक टैबलेट के बारे में। मे बी आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये जो वर्ड है ग्राफिक टैबलेट ये पहले भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको बताएं कि ग्राफिक टैबलेट क्या होता है, साथ ही कैसे आज कई सारे टीचर्स ग्राफिक टैबलेट का यूज कर रहे हैं, या फिर मैं बात करूं कई सारे आर्ट डिजाइनर एनिमेशन डिजाइनर का वो भी ग्राफिक टैबलेट का यूज करते हैं। तो ऐसे में जो दिमाग में मेजर सवाल आता है वो ये कि ग्राफिक टैबलेट एक्चुअल में होता क्या है और टेक्निकल फील्ड में इसका क्या यूज है। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है राहुल और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है कि ग्राफिक टैबलेट होता क्या है। देखो बेसिकली ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ मिलकर वर्क करता है। नॉर्मली इसका यूज क्या है इस पॉइंट को समझते हैं। देखो सिंपली आप जो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज करते हो माउस को मूवमेंट के लिए, कोई भी अगर हमें ड्राइंग क्रिएट करनी है या फिर पेंट में आपने देखा होगा पेंसिल वगैरह का यूज करते हुए, तो उसी की जगह पे हम यूज करते हैं इस ग्राफिक टैबलेट का। अब ग्राफिक टैबलेट कई कैटेगरी के हैं, तो सबसे पहला जो इसका पोर्शन है उससे शुरू करते हैं। तो बेसिकली नॉर्मली एक पैड की तरह होता है, जहां पे आपको एक इसके साथ डिवाइस मिलता है वो बिल्कुल एक पेन की तरह होता है जिसे हम बोलते हैं स्टाइलस। अब ये जो पेन है ये मूवमेंट के लिए भी आप इसका यूज करते हो, साथ ही अगर आपको कोई भी चीज लिखनी है, जैसे आपको बताया कि अगर मुझे माउस से लिखना है कि मेरा नाम राहुल है, तो मुझे मेरे लिए वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अगर मेरे हाथ में पेन हो तो मैं उससे बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। तो इसीलिए कई सारे जो टीचर्स हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो इस टैबलेट का यूज करते हैं, इस पैड का यूज करते हैं, जहां पे वो नॉर्मली इस पेन के थ्रू कोई भी चीज लिखकर समझाते हैं। आपने कई सारी वीडियोस में भी इस तरीके का जो पोर्शन है वो देखा होगा। जैसा कि आपको बताया कि हर एक इनपुट डिवाइस या हर एक टेक्निकल डिवाइस में अपडेशंस होते हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया ग्राफिक टैबलेट का सबसे नॉर्मल पोर्शन। इसी के ऊपर अगर हम जाएं तो आता है ड्रॉइंग पैड, या फिर आप समझ लीजिए कि आपको एक नोट पैड की तरह भी एक ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हमारे लिए जो नोटबुक बनती है यानी कि कॉपी, तो उसके लिए कई सारे पेड़ काटे जाते हैं। उस बात को भी ध्यान में रखते हुए ग्राफिक टैबलेट को बनाया गया है, जहां पे क्या है कि जो भी चीज आप नोट्स क्रिएट करते हैं वो चीज नॉर्मली आप उसमें लिख सकते हैं, उस स्टाइलस जो मैंने डिवाइस बताया पेन, उसी से आप लिख सकते हैं बिल्कुल डिजिटल फॉर्मेट में, ना किसी कॉपी की जरूरत ना किसी पेन की जरूरत, और इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं और इसे सेव करके रख सकते हैं। साथ ही कई सारे जो ड्रॉइंग या फिर आर्ट डिजाइनर्स होते हैं, जैसे कि कई सारे आर्ट डिजाइनर्स होते हैं जिनको आपने देखा होगा वो अपने ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको नॉर्मली पता है कि अगर आप पेन या फिर पेन से अगर आप कोई भी चीज ड्रॉ कर रहे हो या फिर पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हो, तो फिर हमें इरेज करना या फिर उसे रफ करने में दिक्कत होती है। तो यहां पे इसके लिए भी इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि एक डिजिटल फॉर्मेट इसे इरेजिंग भी इजी होती है, और हमें कोई भी चीज ड्रॉ करना है या फिर उसे एक अच्छे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली अगर इसका हम प्रॉपर यूज देखें ग्राफिक टैबलेट का, तो नॉर्मली एक पैड की तरह यूज होता है, जहां पे माउस से आप कई चीजें नहीं कर सकते जैसे कि लिखना, तो वो उसके लिए इसका यूज होता है जो टीचर्स लोग करते हैं। इसके अदर में अगर आप नोट्स रखना चाहते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, तो आप इसी पेन के थ्रू लिखकर उसे सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा इसका यूज क्या है कि जो आर्ट डिजाइनर्स होते हैं या फिर ड्राइंग क्रिएटर्स होते हैं वो इसका ज्यादातर यूज करते हैं ड्राइंग वगैरह क्रिएट करने के लिए, और ये भी अपने आप में बढ़िया चीज है कि हम पेड़ों का जो कटाव है, जो पेड़ की कटाई हो के कॉपी बनती है, उसकी जगह पे कई लोग ग्राफिक टैबलेट का यूज कर रहे हैं। सो आई होप कि अब आपको क्लियर हुआ हो कि ग्राफिक टैबलेट क्या है, और आज की लाइफ में ग्राफिक टैबलेट एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है अगर हम रिप्लेसमेंट करें नोटबुक की जगह इसे। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हाँ एक छोटा सा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।